हेलो एवरीवन वेलकम बैक बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एम एंड हियर आई विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इन दिस वीडियो विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द सम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज द कंसेप्ट हम इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं तो ये जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज में आपको बहुत सारे एम सी क्यूज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के रिलेटेड मिलेंगे तो so, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले सारी चीज़ें सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और सारी जगह पे आप मुझसे जुड़ जाइए ताकि जितनी भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा उसको आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और वो सारे पी सबको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएंगे तो आज का सेशन होगा मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद कंसेप्ट क्लैरिटी ऑफ़ ऑल, लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू तो ध्यान से लास्ट तक बने रहे सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज सो वेनएवर वी आर एडिंग द करंट असेट्स एंड वेनवर वी आर डिडक्टिंग द करंट लाइबिलिटीज वी गेट दी आंसर एज वर्किंग कैपिटल तो हमें करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करके वर्किंग कैपिटल मिलता है एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वॉट तो देखो करंट असेट्स के जितने भी पॉइंट है जैसे कि स्टॉक डेटर्स, कैश बैंक बिल्स रिसिवेबल जो भी हमारे करंट असेट्स होंगे वो सभी को हम जब ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं टोटल करंट असेट्स दिस टोटल करंट असेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा टोटल करंट असेट्स तो मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया है और एमसीक्यू का आंसर आपका यहाँ पे बन गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं विच रेशियो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस तो मैंने रेशो एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड किया था वो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखे एस वाई बी कॉम की एक प्ले लिस्ट बना के रखी है बहुत सारे वहां पे कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं विच रेशो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ दी सोलवेंसी करंट रेशियो लिक्विड रेशो डेट इक्विटी या स्टॉक टर्न ओवर रेशो तो सेफ मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी जहां पे भी सोल्वेंसी की बात करेंगे वो हमारा करंट रेशो होगा ठीक है करंट रेशो करंट रेशो क्या करता है करंट रेशो हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है फिर हमारा दूसरा होता है लिक्विड रेशो जिसको हम क्या कहते हैं क्विक रेशो भी कहते हैं लिक्विड रेशो कौन सा सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है लिक्विड रेशो हमें इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाता है ठीक है ये ध्यान से आपको याद रखना है यहाँ पे हमको मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी की बात कर रहा है तो हमारा राइट right आंसर बनेगा करंट रेशो लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नोन एज तो लिक्विड रेशो का दूसरा नाम क्या है एसिड टेस्ट क्विक रेशो बोथ ए एंड बी ओनर्स रेशो तो लिक्विड रेशो को हम दो नाम से जानते हैं एक होता है क्विक रेशो और एक होता है एसिड टेस्ट रेशो तो एसिड टेस्ट रेशो इज आल्सो कॉल्ड एज क्विक रेशो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है क्विक असिड्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज तो ये आपका उसका फॉर्मूला बन जाएगा तो राइट right आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए एंड बी आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे आए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा एंड दैट इज द रीजन आई हैव स्टार्टेड दिस एमसी क्यू सीरीज तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अभी लाइक like का बटन दबना चाहिए लाइक like का बटन दबाइए और चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आप मिस ना करें तो so, चलो अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं इफ़ करंट रेशियो इज टू पॉइंट फाइव टू वन वर्किंग कैपिटल इज थ्री लैख रुपीज फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटीज तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या करना है देखो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हमें मिलता है वर्किंग कैपिटल ये इक्वेशन याद रखना ये इक्वेशन से मैं अभी सॉल्व करूंगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल ये हमारा रेशियो है ठीक है तो अभी अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो कैसे मिलता है करंट रेशियो मिलता है करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज देखो यहाँ पे बोला है टू पॉइंट फाइव इज टू वन तो टू पॉइंट फाइव इज टू वन इक्वल टू करंट बाय करंट करिटीज इसका मतलब क्या होता है कि करंट अट्स इज टू पॉइंट फाइव एंड करंट लाइबिलिटीज इज वन तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो टू पॉइंट फाइव माइनस वन इक्वल टू वर्किंग कैपिटल है हमारे पास कितना है थ्री लाख ,00 रुपीज ठीक है तो टू पॉइंट फाइव माइनस वन करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इक्वल टू हाउ मच थ्री लाख रुपीज बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है अभी आपको करना क्या है कैलकुलेटर लेना है और डिवाइड करना है यू विल गेट दी आंसर ओवर हियर क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखो 2.5 में से 1 हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या मिला 1.5 मिल गया अभी हमें क्या करना है 3 लैक्स को डिवाइड करना है 3 लैक्स को हम किस से डिवाइड करेंगे 3 लैक्स को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से तो हमें वन की वैल्यू मिलेगी करंट लाइबिलिटी इक्वल टू थ्री लैक्स डिवाइडेड बाय वन तो यू विल गेट द आंसर करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू टू लैक्स तो दैट मीन्स यूर आंसर विल बी टू लैक्स ओवर हियर आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू बिकॉज द कैलकुलेशन टोटली रिमेंस ऑन द फॉर्मेट द कैलकुलेशन टोटली टोटलीस ऑन द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रेशियो एनालिसिस द दैलकुलेशन आर ओवरऑल रिलेटेड टू दैट पार्ट तो इसीलिए अगर आपको वो क्लियर रहेगा तो ये फॉर्मैट या फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे अगले क्वेश्चन में जाते हैं टू लैक इसका आंसर आ गया ंग रेशो शोज इमीडियट सोलवेंसी पोजिशन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजिशन मतलब कौन सा रेशो क्विक रेशो ठीक है क्विक रेशो के हमने दो नाम सीखे थे एक कौन सा है लिक्विड रेशो और दूसरा नाम कौन सा है एसिड टेस्ट रेशो तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा लिक्विड रेशो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ फिक्स असेट्स ओवर करंट असेट्स एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज एक्सेस ऑफ करंट लाइबिलिटीज ओवर करंट अट्स या एक्सेस ऑफ करंट अट्स ओवर फिक्स असेट्स तो बहुत ही सिंपल है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो जब हम करंट असेट्स को करंट लाइबिलिटीज से माइनस करते हैं तब हमें आंसर मिलता है वर्किंग कैपिटल तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज अगले क्वेश्चन में जाते हैं हाइयर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज डजेंट स्टैंड ट्रू फॉर तो इसमें से जो पॉइंट है कि यह क्या बोल रहा है कि अगर आपका रेशो हाइयर रहेगा तो अच्छा है ठीक है रेशो हाइयर रहेगा तो इट्स बेटर ठीक है ऐसा हम बोलते हैं नॉर्मली रेशो बड़ा है तो बेटर पोजिशन है लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का में दिया है हायर द रेशो द मोर फेवरेबल इट इज डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर तो इनमें से ये कौन से पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है नेट प्रॉफ़िट रेशियो देखो नेट प्रॉफिट जितना अच्छा है उतना बेटर है ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट जितना अच्छा है उतना बेटर है ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर जितना बेटर है उतना कंपनी uh, फेवरेबल है ऑब्वियसली लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो जितना जितना हाइयर है उतना बेटर है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं ऑपरेटिंग रेशियो मतलब उसमें एक्सपेंसिस की बात की जाती है जितना ये रेशो ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो इसलिए ट्रू उसके अगेंस्ट नहीं है तो राइट right आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑपरेटिंग रेशो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी बार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इन ऑर्डर टू कंपेयर एवरी एक्सपेंस विद सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नेट सेल्स इज कंसिडर एज हंड्रेड तो बहुत ही सिंपल है मैं तीन चार कंसेप्ट आपको एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूं देखो वी हैव वर्टिकल बैलेंस शीट वी हैव वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस और वर्टिकल बैलेंस शीट के आप फॉर्मैट बना के आ, जो हमारी हॉरिजोंटल बैलेंस शीट है या हॉरिजोंटल प्रॉफिट एंड लॉस है उसे हम वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस या वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं लेकिन ये जो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है इसके बेसिस पे हम आगे क्या करते हैं आगे हम फिर कॉमन साइज प्रिपेयर करते हैं ठीक है कॉमन साइज सबका कंसेप्ट बताता हूँ ध्यान से समझना दूसरा होता है हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट एक होता है कॉमन साइज एक होता है कंपेरेटिव और एक होता है हमारा ट्रेंड एनालिसिस तो बहुत ही सिंपल है सबका बेसिक्स ध्यान से समझना कॉमन साइज में क्या होता है हम एक ईयर का इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम हर एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं जैसे कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हम नेट सेल्स को 100 लेते हैं ठीक है ये याद रखना और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 अज्यूम करते हैं और बाकी के सारे वैल्यूज को उसके साथ डिवाइड करके परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वेनएवर वी आर स्पीकिंग अबाउट कंपेरेटिव स्टेटमेंट हम दो ईयर्स का इन्फॉर्मेशन लेते हैं और दो ईयर्स के इन्फॉर्मेशन को हम कंपेयर करते हैं इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बना के ट्रेंड एनालिसिस में हम एक ट्रेंड फाइंड करने का देखते हैं तो ये तीन ईयर्स या तीन साल से ज़्यादा का इन्फॉर्मेशन आता है और हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है फर्स्ट ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं और फर्स्ट ईयर को हम हंड्रेड अज्यूम करते हैं अभी यहाँ पे बोल रहा है कंपेयर एवरी एक्सपेंसेस विथ सेल्स तो हम हर एक एक्सपेंसेस को सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं देखो कहाँ पे होता है ऐसा तो ऐसा होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लेकिन कौन से स्टेटमेंट में होता है कॉमन साइज में होता है तो राइट right आंसर आपका यहाँ पे बनेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट आई होप दिस ऑल कंसेप्ट आर क्लियर टू यू नाउ मैंने सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता दिए है नेक्स्ट पॉइंट लैग इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ट्रीटेड एज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो लैग का मतलब होता है देरी मतलब पेमेंट ये क्या है आउटस्टैंडिंग है अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो लैग इन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ट्रीटेड एज डैश इन वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो हमारा फॉर्मेट है हम क्या करते हैं करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं एंड वी कैलकुलेट नेटवर्किंग कैपिटल सो यहाँ पे जो भी आउटस्टैंडिंग चीजें होती है आउटस्टैंडिंग तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग हम कहाँ लिखते हैं वी राइट अंडर दी हेड करंट लाइबिलिटीज तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन राइट आंसर आपका बनने वाला है करंट लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटीज विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज एक्सेस ऑफ़ करंट लाइबिलिटीज ओवर करंट असेट्स ध्यान से डैश इज एक्सेस ऑफ़ करंट लाइबिलिटीज ओवर करंट असेट्स बोल रहा है तो दैट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अब ध्यान से समझना देखो अगर आपके करंट असेट्स से फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड है और अगर आपके करंट लाइबिलिटीज है चालीस तो हंड्रेड में से अगर हम फोर्टी को माइनस करेंगे तो वी गेट सिक्सटी एंड दिस सिक्सटी इज नथिंग बट दिस सिक्सटी इज पॉजिटिव ठीक है ये क्या है पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है और अगर हमारे करंट असेट 100 है हमारी करंट लाइबिलिटी 120 है तो यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल बट दिस इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल ठीक है ये हमें क्या मिला ये हमें मिला नेगेटिव वर्किंग कैपिटल तो यहाँ पे बोला है कि करंट लाइबिलिटीज ओवर करंट अट्स मतलब करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है और करंट लाइबिलिटीज करंट अट्स कम है तो ऐसे केस में वी विल बी गेटिंग अ नेगेटिव फिगर एंड दैट इज द आंसर विल बी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इसका राइट right आंसर बन जाएगा तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन ऑफ टुडे वी हैव डिस्कस एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो इसी तरीके से आपको ये सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हुई इसके बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं और उसकी बेसिस पे आपके प्रिपरेशंस में ये एमसीक्यूज आपको काफी हेल्प करने वाले हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अगले बार जो नोटिफिकेशन होंगे वो टाइम टू टाइम बेसिस पे तो आपको मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर